जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार और रेसलिंग से संन्यास लेने वाली विनेश फोगाट को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगने के बाद देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे मीडिया के सामने आए हैं और पेरिस ओलंपिक में विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर चले केस को लेकर बड़ा दावा किया है। रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के कोई मदद ना करने के आरोप पर देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे ने कहा, खेल कोर्ट यानी कि सीएएस के फैसले को वो स्विस कोर्ट में चैलेंज करना चाहते थे, मगर इस बारे में विनेश ने अपने वकीलों के जरिए आगे कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि सालवे ही थे जिन्होंने सीएएस कोर्ट में सिल्वर मेडल के लिए विनेश के पक्ष में पैरवी की थी। विनेश फोगाट ओलंपिक में 100 ग्राम बढ़े वजन की वजह से फाइनल्स मुकाबले से बाहर हो गई थी। इसके बाद विनेश ने अयोग्य करार देने पर खेल कोर्ट में अपील की, जिसमें विनेश ने फाइनल मुकाबला खेलने देने की अपील की। ये संभव नहीं था तो विनेश ने अपील बदल कर कहा कि सेमीफाइनल तक उनका वजन एकदम सही था और उसे संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश फोगाट ने 8 अगस्त को कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। विनेश फोगाट की याचिका पर खेल कोर्ट में सुनवाई चली, हालांकि पेरिस ओलंपिक के बाद इसका फैसला आया जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्हें बिना मेडल लौटना पड़ा। देश लौटकर वे कांग्रेस में शामिल हो गई। अब वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिंद की जुलाना सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार है। विनेश फोगाट के मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आईओए और पीटी उषा से सहयोग नहीं मिला। इस सवाल के जवाब पर सालवे ने कहा, इस बारे में पीटी उषा ही बता सकती हैं। इस मामले में शुरुआत में तालमेल की बहुत कमी थी। आईओए ने बहुत अच्छी वकीलों को इंगेज किया था, लेकिन विनेश के वकीलों ने कहा कि हम आपके साथ कुछ शेयर नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं देंगे, हमें सब कुछ मिलने से बहुत देरी हुई। हालांकि बाद में हमें सब कुछ मिल गया, हमने पूरी मजबूती से केस लड़ा। हमने विनेश को सुझाव दिया था कि खेल कोर्ट के फैसले को हम स्विस कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मुझे उनके वकीलों ने कहा कि वो इसे आगे नहीं ले जाना चाहती थी। सालवे ने आगे कहा कि पीटी उषा बता सकती हैं कि हम कितनी बेसब्री से विनेश फोगाट से मिलना चाहते थे, लेकिन ओलंपिक खत्म होने से पहले एथलीट को बाहर नहीं आने दिया जाता। विनेश ओलंपिक गाँव में थी, वहाँ एक्सेस की प्रॉब्लम थी। पीटी उषा इस बारे में बता सकती हैं। मैं उन्हें एक नए करियर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि वो मिसगाइडेड कमेंट ना करें। इस बारे में पीटी उषा बता सकती हैं कि हमने कितनी कोशिश की है। इस आरोप पर कि सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला, सालवे ने साफ किया कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। अगर सरकार को कोई रोल निभाना होता तो आईओए बाहर हो जाती। आईओए अपने आप में एक स्वतंत्र संस्थान है। सालवे का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले ही विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्हें कोई मदद नहीं मिली। खेल कोर्ट में भी उन्होंने खुद ही केस किया। भारतीय दल ने तो उन्हें इसके बारे में बताया तक नहीं था। विनेश ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा पर भी आरोप लगाए थे। विनेश ने कहा था कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान बिना परमिशन उनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।